दोस्तों अक्सर 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं और अगर वो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब होती है जो कि आज के टाइम में कॉमन है, तो वहां पे आपसे मांगी जाती है कंप्यूटर की नॉलेज, जिसके लिए ज्यादातर लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और वहां से बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लो। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपको एक्चुअल में पता है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, या अगर मैं बात करूं जहां से आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं वहां पे सही फीस क्या होनी चाहिए, और साथ ही जहां से आप कर रहे हैं क्या वो इंस्टीट्यूट जनवन है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कर लेते हो जहां का सर्टिफिकेट प्रॉपर वैलिड नहीं है, या फिर मैं बात करूं ऐसे जगह से जहां आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही या फिर कुछ फेक नॉलेज मिल रही है, तो जॉब के टाइम आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आपको एक वैकेंट प्रोफाइल की जॉब मिल रही है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफाइल की जॉब मिल रही है, एक्सेल पे वर्क मिल रहा है, और आपको यही नहीं पता कि उस चीज को जो आपने सीखा है वो वहां काम आएगा या नहीं, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि बेसिक कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, साथ ही जहां से भी आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो क्या वो इंस्टीट्यूट प्रॉपर वैलिड है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता क्या है। देखो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको कंप्यूटर के बेसिक्स प्लस में वो सभी सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोफाइल में, चाहे मैं बात करूं एक मॉल की या फिर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, कोई छोटे मोटे बिजनेस की, वैकेंट की, उन सब में उन सॉफ्टवेयर को आपको सिखा दिया जाता है जिनकी मदद से आप काम कर पाओगे। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको सिखाया जाता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आपको GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में हम बात करें, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो 10 हो गया या फिर विंडो 7 हो गया, उसकी प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होती है, एक्सेसरीज क्या होती है, कंप्यूटर के टूल्स को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आपको फंडामेंटल के चैप्टर में बताया जाता है या फंडामेंटल के सेक्शन में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको शुरू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम बोलते हैं एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा। तो एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे क्या मांगता है, रिज्यूम, और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मिलता है लेटर हेड। तो अगर मैं बात करूं रिज्यूम की, लेटर हेड की, कोई क्वेश्चन पेपर की, कोई फॉर्मेट की या फिर किसी फॉर्म की, वो सारी चीजें बनती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल एक छोटा मोटा एडिटिंग का काम देखो, जैसे कि आपको फॉर्म बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई फॉर्मेट रेडी करना है या फिर कोई पैम्पलेट बनाना है, तो वो सभी काम आप कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि है एमएस वर्ड। इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका यूज चाहे हम बात करें छोटी कंपनी या फिर बड़ी कंपनी, हर जगह किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करना, उनकी सैलरी क्या है, अटेंडेंस क्या है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सभी काम होते हैं एक्सेल की मदद से। कई बार तो जो आप बिल, आपको पता होगा जब भी आप कहीं शॉपिंग करते हो या फिर एक बिल का फॉर्मेट हम बात कर लें, तो बिल का फॉर्मेट भी जो कि टैली में यूज होता है वो भी एक्सेल से ही कई बार जनरेट किया जाता है। तो एक्सेल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सिखाया जाता है इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स की कैटेगरी में। इसके बाद आपको सिखाया जाता है एमएस पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से अगर आपको 10 लोगों के बीच में या फिर एक सेमिनार में कोई प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वो काम आप कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि है एमएस पावर पॉइंट। तो ये चीजें क्लियर हुई, एक है आपका फंडामेंटल जो कि जिसमें आपको प्रॉपर ज्ञान मिल जाता है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, दूसरा है एमएस वर्ड, तीसरा एमएस एक्सेल और चौथा एमएस पावर पॉइंट। इसके अलावा आपको दो चीजें और बताई जाती है, एक होता है इंटरनेट। अब आप बोलेंगे इंटरनेट की नॉलेज तो सबको आती है आज के टाइम इंटरनेट चलाना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑफिशियल पे आप पे हम बात करें तो वहां पे इंटरनेट में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि जीमेल कंपोज करना, अटैच फाइल्स करना, बहुत सारी चीजें होती है जिनकी नॉलेज आपको इस क्राइटेरिया में दिया जाता है जो कि आपके जॉब प्रोफाइल में आपके लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी उसी के साथ कराई जाती है। तो ये प्रॉपर कोर्स क्राइटेरिया होता है जो जो चीजें आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में कराया जाता है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो इसकी फीस 3,000 से 3,500 रुपए होती है, बाकी इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, कोई बहुत ज्यादा ले लेता है और कोई आपको इससे भी कम में करा देंगे। और यहाँ पे अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टोटल 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 3 महीने का आपका ये प्रॉपर कोर्स होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वहां करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपर वैलिड है या नहीं। कहने का मतलब आपका इंस्टीट्यूट क्या गवर्नमेंट क्राइटेरिया के अंडर रजिस्टर्ड है, क्या उसके पास ISO सर्टिफिकेशन है। अगर ये चीजें नहीं है
तो वहां से आपको कोर्स करना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि कई जगह अगर आप एक अच्छी जगह वर्क करने जा रहे हो तो वहां पे आपसे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जाती है, और नॉर्मली अगर हाथ से बनाया हुआ सर्टिफिकेट होगा तो वहां पे वो प्रॉपर वैलिड नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जहां से आप भी कोर्स कर रहे हैं, जहां से भी आप कोर्स कर रहे हैं, वहां का जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आपको मिलता हो, मतलब कि ऑफलाइन तो आपको मिलेगा ही, और अगर आप गूगल पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके रोल नंबर डालकर सर्च करें तो आपको आपकी वेबसाइट मिल जाए। तो इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखें, तभी ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कोर्स। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है और आपको इसे करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।